सिद्धार्थ शुक्ला कई बार शहनाज गिल से बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर करते हुए दिखते हैं। तो अब आपको बता दें कि हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी बचपन का एक किस्सा शेयर किया जो कि बिस्किट्स के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया कि वो बात उस वक्त की है जब मैं बेहद छोटा था। मेरी मम्मी की फ्रेंड उनके घर पे हम जाते थे और वहाँ पे ये था ना कि उनके घर में बिस्किट्स का एक डब्बा होता था, बच्चा एक ले ले या फिर दो ले ले, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूरा डब्बा का डब्बा उठा लेता और लेके गोद में बैठ जाता और खाना शुरू कर देता। मेरी मम्मी बोलती कि छोड़ उसे मत खा, और आंटी बोलती नहीं रहने दीजिए ना, खा ले दीजिए क्या हो जाएगा। इस पर शहनाज कहती है कि ये बात तो सही है, मुंह पे तो बोल देते कि खाने दीजिए, लेकिन अंदर से होता है कि क्या बदतमीज, बच्चे बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है। इसके बाद एक बार क्या हुआ ना कि मम्मी ने मुझे हर बार कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही आंटी के घर पे जाना था तो मेरे हाथ में ऑलरेडी उन्होंने 3 से 4 बिस्किट दिए, एक बच्चे के हाथ में 3-4 बिस्किट काफी होते हैं। तो मम्मी ने अच्छे से समझाया कि वहाँ जाके उनका डब्बा बिल्कुल नहीं उठाना, मैं काम मारने वाला था, बिस्किट छोड़े अपने खा लिए या फिर फेंक दिए कुछ, और जाके सीधा उनका बिस्किट का डब्बा उठाया और खाने शुरू कर दिए। मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहाँ मम्मी की सुनने वाला हूँ, हमेशा ही ऐसा ही करता था। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। डेली फ्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।